Balnar Singh Yadav is all set to leave for Rio Games, and the Wrestling Federation of India has got the letter of approval from the United World Wrestling. Narsingh would now need the nod from the International Olympic Council and the World Anti-Doping Agency to stamp his entry into Rio and the Games Village. The wrestler will head directly to Rio de Janeiro instead of Georgia, where the men's wrestling team is currently training. नरसिंह यादव के रियो ओलंपिक जाने का रास्ता साफ हो गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह जी। ब्रजभूषण जी, जो पूरी प्रक्रिया चली, अब पूरा रास्ता साफ हो गया है, क्या है पूरा मामला बताएं। पहले से मालूम है कि 25 तारीख को जब मैंने नाम बदला था, नरसिंह की जगह पर प्रवीण राणा का नाम भेजा था, तो उस समय देश का कोटा बचाने के लिए भेजा था। और मैंने उस समय भी कहा था कि अगर हमारा खिलाड़ी क्लियर होकर के निकल जाता है तो हम इसी को भेजेंगे। और नाडा जी ने जब क्लियर किया तो हमने पूरा हवाला देते हुए पत्र लिखा, जिस पत्र का जवाब आज रात में 12 बजे आ गया कि UWW का जो कमीशन बना हुआ है डोपिंग मामले में, उसने क्लियर कर दिया कि हम आप खिलाड़ी के को कंसीडर कर रहे हैं। और एक पत्र जो है IO से भिजवा दीजिए, इंडियन ओलंपिक संघ से भिजवा दीजिए, लेकिन लिखित रूप में उन्होंने हमारे इस बात को मान लिया और उन्होंने क्लियर कर दिया। मतलब ये माना जाए कि आप कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से हिस्सा लेंगे नरसिंह यादव, अब ये पूरी तरह से साफ हो गया। हाँ हाँ, एक बहुत छोटी सी आप आवश्यकता बाकी है, लेकिन चूँकि लिखित उन्होंने कर दिया तो अब ये बिल्कुल हम मान करके, या आपके माध्यम से मुझे खुशी है कि पूरे देश को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि नरसिंह यादव का अब जाना तय है और मेडल भी तय है। पूरे देशवासी उम्मीद कर रहे हैं कि नरसिंह यादव मेडल जीत कर आएँ, भारत का नाम रोशन करें, एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जिस तरह से जो है सरकार ने, संघ ने दखल देकर इस जो डोपिंग पूरे मामले में, जिस तरह से जो पूरा मामला सामने आया है, उसकी जो जांच हो रही है वो कितनी आगे बढ़ी है, उसको लेकर क्या अभी तक जानकारी है, चूँकि ये एक साजिश जो लगती थी नरसिंह को फंसाने की। देखिए, प्रथम दृष्टया तो हमारा था कि इसका मामला क्लियर हो और यह जाए, और वो लगभग पूरा हो चुका है और यह जाएगा। अब हम ज़रूर चाहते हैं कि यह प्रकरण जब समाप्त होता है तो इस पूरे प्रकरण की जांच होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ कमी है, और अन्य खिलाड़ियों के साथ भविष्य में भी ऐसा लगता है कि हुआ है। और ये एक भूतकाल में, हाँ, एक नेटवर्क बना हुआ है जो अच्छे खिलाड़ियों के साथ साजिश करता है, इसलिए इसकी जांच बहुत आवश्यक है, जिससे भविष्य में किसी खिलाड़ी के साथ ऐसी घटना ना घटे। डीडी न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि अब यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि नरसिंह यादव रियो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, और पूरी उम्मीद है भारत को कि नरसिंह पदक भी लेकर आएंगे। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।